आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। कांग्रेस पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली में मौजूद हैं। कमलनाथ के दिल्ली पहुंचते ही बीजेपी में शामिल होने की उनकी अटकलें और तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि कमलनाथ अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द करके दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि कमलनाथ ने अब तक कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। बावजूद इसके माना यह जा रहा है कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ बहुत जल्द बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और चूंकि वो दिल्ली में मौजूद हैं इसलिए ये अटकलें और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। हालांकि कमलनाथ ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी में शामिल होने के न्यूज 18 इंडिया के सवाल पर कमलनाथ ने कहा है कि समय आने पर जानकारी दे दूंगा। दरअसल अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर कर दूंगा। ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर कर दूंगा। तो कमलनाथ ने भले ही अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं लेकिन खबर है कि उनके साथ नकुलनाथ और कई कांग्रेस नेता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस इसे कोरी अफवाह बता रही है। दूसरी तरफ वीडी शर्मा का कहना है कि बीजेपी नेतृत्व पर विश्वास रखने वाले हर शख्स का स्वागत है। बातचीत 10:30-11 बजे हुई है, वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी उस केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। अब ये तो कमलनाथ जी से आपको भी पूछना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए हमारे नेतृत्व के ऊपर जिनका विश्वास बनता है तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। और अब कांग्रेस भले ही कमलनाथ को लेकर चल रही खबरों को अफवाह बता रही हो लेकिन इसी से जुड़ी हुई दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ और एमपी कांग्रेस के एक और सीनियर नेता सज्जन वर्मा ने अपने एक्स प्रोफाइल से कांग्रेस शब्द हटा लिया है। कमलनाथ के साथ जाने के सवाल पर सज्जन वर्मा ने यह कहा है कि 40 साल साथ काम किया है, यदि कमलनाथ का अपमान होता है तो मैं उनके सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। अभी तो ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है कि कमलनाथ जी चले गए हों, अभी अटकलें मात्र हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के 45 वसंत कांग्रेस को सींचने में लगा दिए, यदि उस व्यक्ति का कहीं हम सम्मान नहीं कर पाते हैं तो ये कमजोरी उस राजनीतिक दल की है। इसलिए आदमी स्वतंत्र है फिर कदम उठाने में। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि कमलनाथ कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और वो ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस में सीनियर नेताओं को अपमानित महसूस कराया जाता है, बार बार उनको अपमानित किया जाता है और पहले भी कांग्रेस पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? मैं फिर से, जैसा कि अफवाहें हैं, राज्यसभा का
चुनाव में अशोक सिंह जी का नाम कांग्रेस पार्टी में आदरणीय कमलनाथ जी ने प्रस्तावित किया था और उसी के आधार पर हम सब विधायकों ने भी किया था, हमारे पूरे नेतृत्व ने एक साथ मिलकर किया था और सर्वसम्मति से अशोक सिंह जी को राज्यसभा भेजा गया और यही कारण है कि वो एकमात्र कांग्रेस के उम्मीदवार आप सबके बीच में। तो मैं फिर से, ये खबरें निराधार हैं। जिस प्रकार का दंभ भरा आचरण राहुल गांधी इस पूरे गांधी परिवार का है और साथ ही साथ ही परिवारवादी राजनीति में सब होता भी है, तो कुल मिलाकर जहां पर जनाधार वाले लोगों को अपमानित महसूस कराया जाता है, बार बार उनको अपमानित किया जाता है, पूर्व में भी कांग्रेस के कई नेता इसी कारण से पार्टी छोड़कर गए हैं, तो कोई अगर कमलनाथ जी भी जाएंगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में चल रहे बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। आज की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। इस बैठक में आज देश की आर्थिक नीतियों, विपक्ष की रणनीति और सरकारी योजना को लेकर अहम प्रस्ताव लाए जाने हैं। सुबह 10 बजे ये प्रस्ताव रखे जाएंगे और फिर इसके बाद में इन प्रस्तावों पर समर्थन होगा और फिर दोपहर 12 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आज होने वाला है। और बीजेपी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आज दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक बैठक दोपहर 3:30 बजे भारत मंडपम में होगी। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया गया। राम मंदिर का जिक्र होने पर बीजेपी पदाधिकारियों ने खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया और फिर इसके बाद बीजेपी के सीनियर नेताओं ने अपने संबोधन में ये कहा कि मंदिर का निर्माण जो वादा बीजेपी ने किया था वो पूरा करके दिखा दिया है। कुछ लोगों ने उपहास भी किया और कहा रामलला हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे या तिथि कब बताएंगे, तो हमने कहा कि आपको तिथि भी बताएंगे और आप जरूर आएंगे। आप आए नहीं, ये आपके कर्म थे, लेकिन अब 22 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन का कठोर अनुष्ठान करने के बाद रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठान किया। प्रभु श्री रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में 5 सदी के बाद